ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया, अभी गाड़ी आ गया, गाड़ी में बाइक उठ गया, चला दिया। अभी चलेंगे सिलीगुड़ी। अभी देखिए ये पता नहीं कि राइड होगा कि नहीं। चले जा रहे हैं, चले जा ऐसे ना सुनिया मजा। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम टू आर्यन ब्लॉग्स। तो बहुत दिन से बोल रहे थे, सोच रहे थे कि कोई राइड में जाना होगा, तो अभी ये आज का राइड है इंटरनेशनल राइड। कहाँ जाएंगे ये आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा, अभी वायरल नहीं करता हूँ। तो मेरे साथ है दो बंदे, एक तो आप पहले से भी मिल चुके हो, ये वो ये है निको ब्लॉक्स। हेलो, अभी अभी लद्दाख राइड कंप्लीट करके आया है, और इधर है पार्थो फ्रॉम तिनसुकिया। तो निको का ये बाइक हीरो इम्पल्स, हीरो इम्पल्स एक्सपल्स, सॉरी एक्सपल्स, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड। और मेरा तो आप लोगों को मालूम ही है आरा 310। तो बिना देर करते हुए निकलते हैं, आज का डेस्टिनेशन कहाँ तक होगा फॉलो कीजिए, मालूम चलेगा। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी ना जोश आएगा। भर भर के कमेंट कीजिए, हाँ भर भर के कमेंट कीजिए। ये आप लोग बहुत, मतलब क्या होता है ये, ऐसा नहीं होता है यार। रोकना चाहिए, रोकना। हाँ हाँ मालूम है, ये कितनी बेचना पड़ता है भाई, ये सुबह सुबह हम लोग को कितनी कितनी निकाल के बेच के राइट पे जाना पड़ता है। आप लोग ऐसे करोगे तो, कंजूसी करोगे तो कैसे होगा। कम से कम ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, और कुछ कुछ करो, ठीक है। अभी चलिए मिलते हैं रास्ते में मोटो व्लॉग में, चलिए। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 4 चेक, माइक चेक, हेलो हेलो। तो घर से निकल गए, अभी थोड़ा फ्यूल अप करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल नहीं है, कल फ्यूल अप करना भूल गया। तो चलिए मिलते हैं पेट्रोल पंप पे, नहीं तो हाईवे में, चलिए लेट्स रॉक। एंड इतनी हर गुठे को लहला है आराम से। ওলাইছো নিকো, সেই লাডাখ মাৰি আহিছোঁ অলপতে, ডেৰ মাহ, 5454 ডিজন লাইট, এই তিনিচুকীয়াৰ পাৰ্থ। তাই গৈ থাকো নেকি, আহিব লাহে লাহে আহিব তাই, মানে কি খোজকাঢ়া মানা কৰে। হা হা, বগা ফুল আছে অলপ, যাওক মা আছে, এতিয়া মা উঠছে, মা উঠছে, মা পূজা দিব, এতিয়া সোনকালে পঠাই দিয়ক তাক। হা গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। নেপাল নেপাল তো ইয়াতে কুছ দোস্ত লোক মিল গে থে, তো চলিয়ে অভি মিলতে হে ফুয়েল আপ কৰনে কে বাদ। তো আ গয়া ফুয়েল আপ হো গয়া, তো অভি Get set ready, go baby, go go go. आप पहुंचे कारीगांव, ये लेफ्ट साइड में जाने से आप लोग को कोकराझार मिलेंगे, तो हम लोग जाएंगे सीधा। अरे अरे अरे, रेड लाइट जल गया, चलो चलो चलो, बत्ती बुझाओ भैया, बत्ती बुझाओ। हाँ तो चलो पुरंचू। तो मौसम काफी बढ़िया है, तो बाइक भी अभी तक तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, बढ़िया चला के मजा आ रहा है पहले से। तो ये देखिए आगे थोड़ा थोड़ा काला बादल मंडरा रहा है, लेकिन ठीक है क्योंकि ज्यादा धूप नहीं है, तो बढ़िया मौसम है। तो चलिए बने रहिए
वीडियो में। और ये अपना निको भाई आगे जाते हुए, वाओ पार्थो शायद मेरे पीछे है, शायद नहीं पीछे। तो आप उसे गोसाईगांव पार करके श्रीरामपुर के नजदीक, गोसाईगांव बोलते हैं इसको, यहाँ से श्रीरामपुर 5 किलोमीटर है और तेलीपारा। हाँ तेलीपारा, राइट तेलीपारा ये है। तो यहाँ पे बाबलू थावा है ये, ये देखिए यहाँ पे पार्था बैठा हुआ है, निको बैठा हुआ है। Hello. तो क्या खाएंगे हम लोग? रोटी, रोटी तड़का, रोटी तड़का, राइट। और यहाँ पार्था का कुछ पेट गड़बड़ कर रहा है तो इसलिए वो खाएंगे रोटी और दाल रोटी। तो ये रूम, तो अभी के लिए इतना ही। बाहर धूप निकल गया थोड़ी देर पहले, तो मतलब पूरा काला बादल मंडरा रहा था, तो अभी काले बादल नहीं है तो धूप है। तो लेट्स होप फॉर कि रेन ना हो, क्योंकि बारिश देने से मज़ा नहीं आता है, किरकिरा कर देता है। तो ये टोपी के साथ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए रोटी खाते हैं, फिर मिल रहे हैं फिर मोटो ब्लॉग में। आप पहुँचे रोटी तड़का विथ अंडा, यहाँ पे प्याज चटनी मिर्चा ठंडा पानी, यहाँ पे निको भाई भी पहलते हुए और यहाँ पे पार्था। तो चलिए खा के मिलते हैं फिर मोटो ब्लॉग में, रास्ते को दिखाते हुए कहाँ कहाँ जाएंगे, चलिए हम लोग के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे बाबलू धावा में रोटी खाने के बाद जब आके बैठा बाइक में तो बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अभी देखिए ये पता नहीं कि राइड होगा कि नहीं, तो कोई क्या हो गया कुछ मालूम नहीं, ये अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिक का हेल्प लेते हैं शोरूम में फ़ोन करके। तो अभी हालत ये है, इधर निको भाई का भी दिमाग ख़राब हो गया, पार्थो का भी, मेरा तो होश उड़ गया। तो शायद ये राइड यहीं पर कैंसिल करना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या करते हैं, देखते हैं बने रहिए, तो मालूम नहीं, ठीक है? तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अभी ये हालत है बाइक का, सिलीगुड़ी टॉक दर्शन करके लेके जाना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या होता है, देखते हैं अभी। जिंदगी क्या क्या दिखाती है कब मालूम नहीं पड़ता है, कब क्या रंग दिखाती है जिंदगी। अभी का जिंदगी का हालत यह है कि हीरो एक्सपल्स से अपाची 310 RR को खींचना पड़ रहा है। तो चलिए भगवान जो करता है भलाई के लिए करता है, तो मालूम नहीं अब ये भगवान जानता है कि इसमें मेरा क्या भलाई होगा, चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये जगह का नाम है गोसाईगांव पार करके अभी श्रीरामपुर 7 to 8 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से सिलीगुड़ी आर एस टी वी एस तक का 200 किलोमीटर है। तो अभी पता नहीं कि क्या होगा, मेरे पीछे आ रहा है पार्थो, अगर बाइक ख़राब ना होता तो अभी तक सिलीगुड़ी क्या हम लोग काकरीपीटा पहुँचते आराम से पहुँचते, फंसार भी बना लेते। तो अभी शोरूम में जाके मालूम पड़ेगा कि बाइक का क्या कुछ हुआ है। क्या फटका लगने वाला है ये भी मालूम नहीं है, चलिए अभी इतना दिनों बाद राइट पे निकले थे। क्या कुछ हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है।
साला नसीब भी खराब है अपना, मतलब साथ नहीं दे रहा है नसीब। सोचता कुछ है, होता कुछ और है। लिखने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, क्या लिखा है नसीब में उनको ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसी हालत में आगे तेलीपारा तो क्या बताएंगे अभी। जिंदगी यही है जिंदगी, लेकिन झुकेगा नहीं साला। और इन महाशय को देखिए, बिना ऐसे ऐसे पूरा जा रहा है आराम से। तो अभी तो दूर तो बहुत ही है, कितना किलोमीटर आ चुके वो भी इतना आइडिया नहीं है। तो देखिए, यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बाइक लेके घूमने के लिए क्या क्या होता है, हम लोग के साथ कब क्या होता है किसी को नहीं मालूम। तो कितना तकलीफ उठाते हैं हम लोग उसका, ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है। जो जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उन्होंने तो कितने तकलीफें झेली है ज़िंदगी में, वो तो मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग खाली वीडियो देखिए मत, कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, तभी ना ऐसा हौसला मिलेगा। तो चलिए, अभी मौसम भी ठीक हो गया है। जस्ट परसों ही मैंने गाड़ी का सर्विसिंग किया था कि नेपाल ट्रिप जाएंगे, इसलिए मैंने 35,000 हुआ है मेरा गाड़ी चला, 35,000 चला है। जलपाईगुड़ी यहाँ से 143, ओके, सिलीगुड़ी 187। तो मैंने प्लग भी नया लगाया, क्लास डी चेंज किया, ये जो क्या है, हाँ, एक्सेलर केबल नहीं, क्लास केबल नया लगाया। मोबिल तो चेंज किया ही हूँ, ये तो मोटुल इंडिया ने भेजा ही था मोबिल हम लोग के लिए। तो मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, तो एस दस एंड सौन था उसमें सर्विस किया था मैंने, पहले भी उसमें किया था। और जो RS TVS में मैंने सर्विस किया था 2021 मार्च को, जब मैं सिक्किम राइड पे निकला था, तो मालूम नहीं उस लोगों ने कहा, उन लोगों की गलती है ना क्या है, ये तो अभी बता नहीं सकता हूँ मैं, किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। तो लेकिन क्या चेक किया ये भी मुझे मालूम नहीं, कि मैं बताया भी था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, काठमांडू नेपाल, तो अच्छी तरह से आप लोग एक बार चेकअप कर दीजिए फुल गाड़ी का। तो क्या पता क्या हो गया, अभी शोरूम में जाके मालूम पड़ेगा कितना फटका लगने वाला है। तो होप कि जल्दी ठीक हो जाए, कि मैं राइड कंटिन्यू कर सकूं, और अगर कुछ बड़ा हो गया तो मेरा टाइफूस हो गया शायद राइड यहीं से। तो देखते हैं, भगवान की मर्जी है अभी। तो उधर आगे देखिए, मौसम बदल चुका है, पूरा काला करके आ रहा है, पता नहीं कि बारिश आएगा, अगर बारिश आ गया तो हो गया, मतलब नहले पे नहला हो जाएगा। और इस सिचुएशन पे मुझे गाना याद आ रहा है कमल हसन की फिल्म का, कि कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, अरे वापाची 300 TNR, कितने भी तू कर ले चितम हंस हंस के सहेंगे हम, वाह 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 वाह। तो वही गाना मुझे अभी याद आया दुख के दिनों में, पवित्र होटल, क्या सोचे थे सुबह, क्या सोच के निकले थे, क्या हो गया, सोचे थे कि बाबलू थबा में हम लोग नाश्ता करेंगे सुबह का, फिर सिलीगुड़ी घुसने से पहले कहीं पे लंच करेंगे, 1:30-2 बजे सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे सोचे थे, लेकिन ना हुआ भाई, भगवान को ये मंजूर नहीं था। क्या पता क्या लिखा थे तकदीर में,
तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की। अरे तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला वो तो मुकद्दर की बात है। अभी तो हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ शायरी, शायरी शायर बन गए हम। दुख में दर्द में, जब दिल में दर्द होता है तब गाना निकलता है, तो मेरा दिल में अभी दर्द है तो मैं शायर बन गया। चलिए, फुल सीलिंग आते थे तब यहाँ पे ये ढाबा पे चाय पानी नाश्ता करते थे, तो आज भी यहीं पे रुकता हूँ। निम्ती ढाबा, तो यहाँ पे पानी वानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पर तो अभी का सीन है टेलीपड़ा अप्रोच है बाइक को ट्विंग करके, ये अभी चाय यहाँ पे मिल गया अपना सौरभ भाई। तो सौरभ भाई बहुत कुछ हेल्प किया, तो इनका ही शॉप के इधर बाइक रुकवा के अभी चाय पीने के लिए आ गया। तो अभी इधर से हाँ जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी। तो गाड़ी का भी बंदोबस्त कर दिया, गाड़ी आएगा 7 बजे, तो उसके लिए बिग बिग थैंक्स। तो जाके फिर अभी रात को तो वो नहीं मिलेगा क्या, सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप में जो है गैरेज में वो लोग देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर सिलीगुड़ी में बड़े बड़े गैरेज है, ये हाँ देख लेंगे वो सब। तो ठीक है, बढ़िया है। नीलादरी लोग, नीलादरी लोग है ना, हाँ। तो कोई स्पॉन्सर करता है वो लोग, हाँ। वो आप बोला नीलादरी लोग को स्पॉन्सर करेगा नहीं, हाँ। अब सब वो सब अपने अंडर में आ जाएगा। वो भी लद्दाख उदाख गया हुआ है, वो जो मेन स्पॉन्सर कर रहा है उनका नाम लेना चाहिए ना, कुछ भी नहीं लिया, इसका पंगा हो गया अभी बहुत ज़्यादा। तब अभी चाय वाय पी के 7 बजे घर आने के बाद, अभी 4:30 बज रहे, आधा घंटा एक बार रुकना पड़ेगा, तो रुक के घर आने के बाद चलते हैं सिलीगुड़ी। तो मिलते हैं, चलिए सिलीगुड़ी में जाके देखते हैं कि क्या होता है। चलिए भैया रुको, थोड़ा थोड़ा बंद करो, एक मिनट। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया, अभी गाड़ी आ गया, गाड़ी में बाइक उठ गया, चला दिया, अभी चलेंगे सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे सौरभ वेलकम, तो ये सब पूरे भाई ने हेल्प किया यहाँ पे, तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है, तो गुड नाइट। तो फाइनली आप पहुंचे सिलीगुड़ी, हालत देखिए आग का, क्योंकि सुबह से कुछ सिर्फ ब्रेकफास्ट किए थे ना हम लोग, हाँ ब्रेकफास्ट करके ये कांड हुआ था। तो बहुत मशक्कत करने के बाद सिलीगुड़ी RSTBS के नज़दीक ही, ये क्या मोड़ है, ये एयर व्यू में श्रद्धांजलि गेस्ट हाउस ना, श्रद्धांजलि गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। काफ़ी सस्ता एंड टिकाऊ रूम है, तो कल सुबह जाना पड़ेगा RSTBS, देखते हैं क्या होता है, फिर जाके पता चलेगा कि राइड होगा कि नहीं या कैंसिल होगा, तो मालूम नहीं है, भगवान करे कि राइड कैंसिल ना हो, बाइक बन जाए जल्दी। तो चलिए मिलते हैं कल एक दूसरे ब्लॉग पे, यह ब्लॉग आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को देख के कैसा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।